हेलो जी नमस्कार सत श्रीकाल आदाब और मेरे प्यार माफ प्यार भरी धनंका और सुनाइए आप लोग कैसे हो। आई अपा बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं कितने दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, रेगुलर नहीं डाल रही हूँ, धीरे धीरे ही वीडियो डाल पा रही हूँ क्योंकि रमन के एग्ज़ाम 2-3 दिनों में शुरू होने वाले हैं तो बस थोड़ा उसी में ही बिज़ी हूँ तो जल्दी नहीं डाल पा रही हूँ। और अभी ऐसे ही चलेगा, 1 महीना मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मैं क्या सभी शायद नहीं डाल पाएंगे क्योंकि सभी के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कुछ बर्ड है जो पानी में आकर आए जा रही हैं, नहाए जा रही हैं। मैं बाहर बैठी थी धूप में, तो धूप में बैठो तो गर्मी लग रही थी, छाए में बैठो तो ठंडी लग रही थी, बस बाहर बैठी थी। और यहाँ पर ये बर्ड है फ्रेंड्स, दो दो बार आकर नहा रही हैं। इनको इतनी गर्मी लग रही है जैसे हमें चलते फिरते लगती है और इनको भी उड़ते उड़ते लग ही रही होगी, तभी ये दो दो बार आके नहा रही हैं। अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा पता नहीं। और ये सारा पानी गिरा जा रही थी बार बार। और ये देखिए बड़े ये दोबारा आ गई है नहाने के लिए, अभी एक बार नहा कर गई है और दोबारा फिर से नहाने आ गई है। अभी से दो दो बार नहा रहे हैं आप देख सकते हो। और ये वाली बर्ड भी दोबारा आई है फ्रेंड्स नहाने के लिए। इसके जो पर है आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े गीले, शायद इतने क्लियर नहीं दिख रहे होंगे जितना मुझे दिख रहे हैं, तो ये भी दूसरी बार नहाने के लिए आई है। और बस बाहर बैठे तो ये नज़ारे ऐसे मैं तो देखती रहती, मैं सोचती हूँ चलो आपको भी दिखा दूँ क्योंकि हमारे कसोरे में काफ़ी बर्ड्स आती हैं नहाती हैं। छोटी छोटी स्पैरो भी आती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, ग्रीन येलो, वो भी आती हैं। काफ़ी कुछ आता है यहाँ पर, कैट्स भी आ जाती हैं पानी पीने के लिए, डॉग्स भी आ जाते हैं कई बार जैसे कि। तो मैंने कहा चलो, मैं बैठी थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और सुनाइए आप लोग, आपके यहाँ कैसा वेदर है? हमारे तो धूप बहुत तेज़ हो रखी है और गर्मी हो रही है दिन में, सुबह शाम की ठंड हो रखी है फ्रेंड्स। और यहीं पर पास में रमन भी है मेरे, जो कि लेकर खड़ा हुआ है कॉटन कैंडी और मुझे कह रहा है कि इसको खोल दो, और नाच भी रहा है। खाई नहीं थी फ्रेंड्स इसने, बस ले ली, खुलवा ली देखा देखी में और खाई नहीं थी। और फ्रेंड्स आज मैं आपसे करूँगी साग की रेसिपी शेयर, तो चलो चलते हैं किचन में। और फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। जैसा कि मैंने बताया आज मैं आपसे साग की रेसिपी शेयर करूँगी अपने स्टाइल में। ये फ्रेंड्स मैंने एक गुच्छी साग है और थोड़ी सी मेथी है आधी गुच्छी और दो गुच्छी पालक है इसमें, तो थोड़ा से ही साग बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा साग बनाते हैं हम लोग। कुकर में आन अच्छे से जो कि हम 2-3 दिन तक या उसको स्टोर करके रख लेते हैं, हफ्ता भी हो जाता है खा लेते हैं तड़का लगा लगा कर, तो पर मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि जल्दी बन जाता है और इतना कोई खाने का वो नहीं है। पहले फैमिली थी तो ज़्यादा ही बनाते थे, अब कम बनाते हैं। और गंदलों वाला साग तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसकी गंदले होती हैं वो और भी टेस्टी बनता है। जैसे ये गंदल है, कुछ लोग पत्ते पत्ते डालते हैं ये वाली, ऐसे तो गंदे ज़रूर डालें जिससे ये साग आपका टेस्टी होगा। और इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल सकते हैं, बट मैं लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि हस्बैंड को ऐसे कच्चा नहीं पसंद है, कच्चा क्या पक जाएगा पर उसका टेस्ट नहीं पसंद है, मुझे पसंद है बट मैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी। और इसमें डालूंगी हरी मिर्च पेस्ट, नहीं डालूंगी हरी मिर्च ही डालूंगी क्योंकि वो जब घोटो तो फिर अपने आप ही मैश हो जाती है। तो इधर मैंने साग डाल दिया, मैं डालती हरी मिर्च, ये काट कर मैंने रखी है लंबी लंबी। और अब मैं डालती नमक, और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन कर दूंगी बंद फ्रेंड्स, और आपको मिलूंगी जब साग अच्छे से रिझ जाएगा, सीटियाँ बज जाएंगी, तो फिर मैं मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साग हमारा बन चुका है और अब मैं इसे घोटूंगी, एक साइड गर्म पानी है और ये मक्की का आटा मैंने छान कर रख लिया जिसे हम अल्लन बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना। तो यहाँ मैं ब्लेंडर से साग घोट लूँगी, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको तो थोड़ा ही बनाया मैंने, इतना नहीं बनाया मैंने आपको बताया ही है, तो बस मैं इसको घोट लूँगी अच्छे से और दूसरी साइड में लगाऊँगी तड़का, ये तो झटपट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा साग है वो घुट चुका है और यहाँ पर मैंने तेल लग दिया गर्म होने के लिए।
तो फिर तेल हमारा हो चुका है प्रॉपर गरम। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन। अदरक मैंने नहीं डाला है क्योंकि अदरक मैंने कुकर में ही डाल दिया था थोड़ा सा पीस कर, वो शायद स्किप हो गई है वीडियो में, आपको दिखा नहीं पाई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला है। वैसे मैंने डाली थी हींग पहले, हींग नहीं थी, ख़त्म हो गई है, तो मैंने सिर्फ साग में लहसुन ही डाला है और अदरक पहले ही डाल दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी अनियन, जो कि मैंने लंबे लंबे काट रखे हैं। कुछ लोग छोटे छोटे काटते हैं, पीस कर डालते हैं, हर किसी का अपना टेस्ट है। तो मुझे लंबे लंबे ही साग में जो अनियन है कटे हुए पसंद है, तो मैं लंबे लंबे ही डालती हूँ। थोड़े ही साग तड़कूंगी क्योंकि मैं, मम्मी है और रमन है, हस्बैंड कहीं बाहर है, वो नहीं खाएंगे, वो बाहर से ही खाना खा कर आएंगे। तो बस अपने लिए ही जितना हमें खाना है उतना ही लगाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं। और इसमें जो साग में मैं टमाटर नहीं डालूंगी, मुझे टमाटर नहीं पसंद है। कुछ लोग साग में टमाटर का तड़का भी लगाते हैं, मतलब कि खाली टमाटर का नहीं, टमाटर भी डालकर तड़का लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मुझे ऐसे ही लहसुन जो प्याज अदरक वाला साग पसंद है फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें सूखा धनिया डाल लेती हूँ और साबुत लाल मिर्च, बट रमन करकर नहीं डाली है क्योंकि फिर जो सूखा धनिया वो मुँह में आता है तो रमन बिल्कुल ही नहीं खाएगा। वो कह रहा था मैं भी साग खाऊंगा, कभी कभी खा लेता है रमन, मूडी है, उसकी पसंद पे डिपेंड करता है। अगर उसको पसंद है फिर तो वो खा लेता है बड़े चाव से, मलाई वगैरह डालकर, देसी घी वगैरह वो नहीं खाता है। और अगर नहीं खाना है तो फिर चाहे बिल्कुल अच्छा भी बनाओ, उसकी पसंद का बनाओ, तो उसमें भी वो नुक्स निकाल देगा। रमन थोड़ा चूज़ी है, जैसे कि आपको पता ही है, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, वो खाने के बहुत नखरे करता है। तो बस यहाँ पर जो हमारे अनियन हैं आप देख सकते हो रहे हैं। वैसे तो मेरे मायके में हम देसी घी का तड़का लगाते हैं साग को, उनको वही पसंद है, बट यहाँ पर जो मेरे इन-लॉज़ है वो देसी घी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, उनको जैसे स्मेल आती है। अब मेरा भी छूट गया, मैं पहले खाती थी बट अब मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे भी मलाई वगैरह वाला साग पसंद है, तो ये नहीं खाते हैं। साग में मलाई या मक्खन डालकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो साग है वो भी मेरा अच्छे से घुटा हुआ है, ये देखिए, ये एकदम मलाई जैसा साग हो रखा है घुटकर, आप देख सकते हो। और रमन के लिए राइस बनाया है, ये देखिए चने थे, रमन ने चने के साथ खाए हैं राइस, वो ले गया है मैं और मम्मी अभी अपने लिए करेंगे। अपने लिए मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी, मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा मल लिया कि मम्मी भी लेंगे, पर मम्मी कह रहे मैं कनक की लूँगी, मक्की की नहीं लूँगी साथ में आज। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आटा उठा कर रख दूँगी फिर बना लूँगी। काफ़ी दिनों से मन हो रहा था साग साग पालक बनाई थी, पालक पनीर आपने रेसिपी देखी है, और फिर हो रहा था कि मैं साग बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। और मैंने आपको बताया था मेरा मैंने आपको बताया था ज़्यादा नहीं साग, फिर भी बहुत बन गया। एक गुच्छी फ्रेंड्स इसमें साग की थी और दो गुच्छी पालक थी और थोड़ी सी मेथी थी, ज़्यादा नहीं, आधी गुच्छी से थोड़ी कम, आधी गुच्छी के करीब कह लो या कम कह लो, थोड़ा कम ही होगी, ज़्यादा नहीं, आधी गुच्छी नहीं होगी पूरी, तो वो थी। और फिर भी बहुत बन गया, जो कि हमारे लिए सभी सेंट है, दो तीन दिन खाने के लिए, जैसे आज खा लिया फिर एक दिन छोड़ के कोई और सब्जी बना ली फिर खा लिया तड़का लगा कर, तो ऐसे हो जाता है। और अब तो जा रही है ठंड, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स साग, और कुछ नहीं डालूंगी। बस इसमें भी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमने ही खाना है और इसमें से बच भी जाएगा। तो मैं इसको हिला देती हूँ अच्छे से, पंजाब का मक्की रोटी सस्तों का साग ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत फेमस है फ्रेंड्स। तो मैं इसे होने देती हूँ धीरे धीरे,
थोड़ा सा रिच है। और जब तक मैं बनाती हूँ चपाती और आपसे मिलती हूँ चपाती बनने के बाद। यहाँ मैं बना रही हूँ चकले पे मक्के की रोटी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ अपनी कुछ वीडियो में कितनी बार। तो अगर आप देखना चाहते हो कैसे बनाई है और इजी कैसे है चकले पे बनानी मक्के की रोटी, तो आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर। और अगर आप दोबारा कुछ और नए ट्रिक से भी मक्के की रोटी बनती है वो भी जानना चाहते हो बेलने से, बेलकर, अगर कोई चाहता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर रोटी हो रही है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा खाना बनकर तैयार। साथ में है मूली और साग में मैंने मलाई डाली है और दो मक्के की रोटी है और ये गाजर शलगम मूली का अचार है जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी फ्रेंड्स, ये वही अचार है। तो आप भी आ जाइए खा लीजिए गर्मा गर्म साग रोटी, जिसका अपना ही एक मज़ा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं करती हूँ डिनर और इस वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यार माँ बाप प्यार भरी धन अहंकार, हंसते रहो वसते रहो, सदा खुश हो, अपना ध्यान रखो, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, क्योंकि घर में बुजुर्ग है तो रौनक है। और कैसी लगी मेरी थाली यम्मी यम्मी तो बताना। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन अहंकार जी।